हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 नाउ स्टार्ट, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं वहां से जहां पे हमने कहानी को छोड़ा था। दिस इज अ चूंकि दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, तो पहले वीडियो के सेक्शन में जो हमने एंड किया था वो जगह क्या थी, वो पॉइंट था, वो जगह था जहां हमने वीडियो को पॉज किया था, वो था कि किस तरह से एनी फ्रैंक डिसाइड करती है कि एक बैकग्राउंड तैयार करे डायरी लिखने के लिए और उसमें कुछ ऐसा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो ताकि पढ़ने वालों को एक इंटरेस्ट अराइज हो, जो कभी कल को कोई पढ़े उसकी डायरी तो वो एक इंटरेस्टिंग हो जाए। तो उसके लिए वो एक स्केच तैयार करती है और अपना एक इंट्रो देती है, और वो इंट्रो क्या कैसे, सो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड वीडियो राइट नाउ। सो वो कहती है कि शी रेफर्स टू हर फादर एज द मोस्ट लवेबल फादर वन कुड गेट। डायरी लिखने की जो शुरुआत करी तो उसमें यही बात लिखी, स्टार्ट की, उसने परिचय दिया। क्या परिचय? कि शी रेफर्स टू हर फादर एज द मोस्ट लवेबल फादर वन कुड गेट। उसके अकॉर्डिंग उसके पापा जो थे सबसे दुनिया के सबसे प्यारे पापा थे, मोस्ट लवेबल, और ही मैरिड हर मदर व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 36 एंड द मदर वाज एट द एज ऑफ 25। एनी फ्रैंक बताती है अपने परिवार के बारे में कि उसके पापा जब 36 वर्ष की उम्र के होते हैं तो वो उसकी मां से विवाह करते हैं, जिस वक्त उसकी माता की उम्र होती है 25 वर्ष। इस तरह से एनी फ्रैंक ने अपने मॉम और डैड का इंट्रोडक्शन दिया अपने डायरी लिखने के दौरान, जिसमें पापा का उम्र 36 वर्ष, माता जी की 25 वर्ष और इनकी विवाह हुई, और पापा बहुत ही लवेबल थे। शी एंड हर सिस्टर मार्गोट, MARGOT, मार्गोट उसकी बहन, वर बोथ बोर्न इन फ्रैंकफर्ट। और वो ये भी बताती है कि एनी फ्रैंक की खुद और उसकी बहन जो मार्गोट है, दोनों का जन्म कहां हुआ? फ्रैंकफर्ट में। एज सून एज एनी टर्न्ड 4 ईयर्स हर फादर मूव टू हॉलैंड फॉलोड बाय मदर इन सितंबर व्हाइल बोथ सिस्टर स्टेड्स विद देयर ग्रैंड मदर इन एचिन। अब एनी फ्रैंक आगे बताती है कि जब उसकी उम्र 4 वर्ष की हुई, एनी फ्रैंक 4 वर्ष की हुई, तो उस दौरान उसके पापा मूव ऑन कर जाते हैं, कहां? हॉलैंड के लिए, और मां भी सितंबर में चली जाती है और पीछे रह जाते हैं दोनों बहनें, कौन कौन? एनी फ्रैंक और मार्गोट, जो कि अपनी दादी के पास रह जाती है, कहां पर? एकिन में, AACHEN, लोग इसको एचिन भी कह सकते हैं, बट एकिन में। मार्गोट वॉज ऑल्सो सेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर फॉलोड बाई एनी इन फेब्रुवरी हु वॉज ब्रॉट एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। फिर उसके बाद एनी फ्रैंक बताती है कि मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली जाती है मॉम डैड के पास, और तब एनी की बारी आती है आने की, और एनी किस दिन आती है अपनी बहन अपने परिवार के पास? वो आती है फरवरी में, जब मार्गोट का जन्मदिन होता है और एनी को एज अ बर्थडे गिफ्ट उसके सामने प्रेजेंट किया जाता है। ओके चिल्ड्रन, इस तरह से एनी फ्रैंक अपने जीवनी अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताती है। फिर आगे क्या? आगे ये इन हॉलैंड एने वॉज सेंट टू मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। एने की एडमिशन हो जाती है मॉन्टेसरी स्कूल में, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में, जो कि फर्स्ट स्कूल होता है उसका, एने फ्रैंक का। उसने अपनी पहली पढ़ाई वहीं से शुरू की थी। शी हैड मिसेस क्यूपरस, KUPERUS, क्यूपरस, जो वहां की हेड मिस्ट्रेस होती है, वही उसकी टीचर होती है, जो उसकी टीचर रहती है 6th स्टैंडर्ड तक। ठीक है, और उस दौरान जब उनकी ये टीचर किप्रस की रिटायरमेंट होती है तो वो खूब रोती है, क्योंकि एक सेंटिमेंटल बॉन्ड हो जाता है ना टीचर स्टूडेंट के बीच, तो वो काफी दुखी होती है कि टीचर उनसे विदा हो रहे हैं, क्योंकि वो रिटायरमेंट का एज है, उनका फेयरवेल हो रहा है, तो बहुत रोते हैं। इन 1941 ऑथर्स बर्थडे कुड नॉट बी सेलिब्रेटेड वेल बिकॉज हर ग्रैंडमदर फेल इल एंड अंडरवेंट एन ऑपरेशन। और तब एनी फ्रैंक छोटी छोटी झलकी अपनी जीवनी की बता रहे हैं, कैसे पापा का विवाह मामा के साथ, डेट, एज, किस तरह से पापा गए मम्मी चले गए, दोनों बहनें रह गए, बाद में बड़ी बहन गई, पीछे से एने आई, एने का पहला स्कूल, वहां की हेडमिस्ट्रेस जो उसकी टीचर, उनकी विदाई, दुखी, रोना। फिर उसके बाद बताती है 1941 की घटना, जब उसका जन्मदिन बहुत अच्छे से नहीं मनाया गया। बच्ची है ना, जन्मदिन सारे बच्चों को अच्छे लगते हैं, हर स्टूडेंट चाहता है कि मेरा जन्मदिन, हर बच्चा चाहता है मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट हो धूमधड़ाके से,
इस बात को भी एनी फ्रैंक अपनी डायरी में लिखती है कि 1941 में उसका जन्मदिन बहुत अच्छे से नहीं मनाया गया। क्यों नहीं मनाया गया, उसका कारण वो बताती है कि उसकी दादी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और वो एक ऑपरेशन से गुजरती है, यानी उनकी दादी का एक ऑपरेशन होता है, तो घर में एक गमगीन माहौल होता है, तो उसमें क्या सेलिब्रेट करना, क्योंकि लोग तो दूसरे ही टेंशन में है। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बैड लक, बुरी किस्मत, ग्रैंड माँ उसकी बस्ती नहीं है और जनवरी 1942 में उसकी दादी का इंतकाल यानी मृत्यु हो जाता है। तो एनी फ्रैंक कैसे कहानियों को आगे बढ़ा रही है। एनी मिसेस हर ग्रैंड माँ मोर देन एनीबडी एल्स। वो कहती है वो अपनी दादी माँ को बहुत मिस करती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी दादी को सबसे ज्यादा समझती थी, बहुत वक्त बिताई थी ना वो। This year's birthday was to be celebrated with great zeal, so as to compensate for last year's. She then mentions that her family is doing well, which sums up her background and brings her to the present date of 20 June 1942 when she is writing her diary. और Anne Frank आगे क्या कहती है? Anne Frank कहती है कि फिर अगला वर्ष आता है, उसका जन्मदिन का समय आता है, वो थोड़ा सा धूमधाम से मनाया जाता है, पिछला वर्ष उसका नहीं सेलिब्रेट हुआ इसलिए थोड़े से बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। और वो बताती है कि वो 20 जून की तारीख है 1942 जब उसे उसके घर से एक प्रेजेंट मिलता है जो एक डायरी होता है। तो ये वो डेट है, ये वो तारीख है जब एनी फ्रैंक को एक पुरस्कार, एक गिफ्ट के तौर पर उसको डायरी मिली थी। अब शुरू होती है आगे की कहानी। मूव ऑन करते हैं कि एनी फ्रैंक का ये जो डेट अभी मैंने मेंशन किया है 20 जून 1942, ये वही तारीख है जिस दिन एनी फ्रैंक बैठ के अपने डायरी में पहली एंट्री शुरू करती है, लिखना शुरू कर देती है। तो स्टूडेंट सब आप जानते हो कि डायरी लिखा कैसे जाता है। डेट डाला जाता है, टाइम डाला जाता है और डियर डायरी करके शुरू करते हैं, राइट? सबने प्रैक्टिस किया हुआ है। तो यहां पर टाइम इंडिकेटेड नहीं है बट डे और डेट इंडिकेटेड है। वो क्या कि सैटरडे कॉमा 20 जून 1942 और डियरेस्ट किटी, हु इज किटी, द डायरी, क्योंकि एनी फ्रैंक ने डायरी का नाम किटी रखा था। और तब बिगिन होता है एनी की वो लेखनी इस डायरी में, वो तारीख जिसमें इसने पहली बार अपने डायरी में कुछ एंट्री किया। और शुरुआत क्या, जस्ट लिसन टू इट स्टूडेंट्स, शुरुआत वो कैसे करती है, वो करती है आवर एंटायर क्लास इज क्विकिंग इन इट्स बूट्स। इस तरह से वो डायरी में लिखना शुरू करती है। वो क्या लिखती है, किटी को कहती है एनी फ्रैंक लिखते हुए, क्योंकि किटी उसकी फ्रेंड है, डायरी का नाम है, उसको कहती है कि उस दिन की बात है जब उसका पूरा क्लास नर्वस था। क्यों नर्वस था? रिजल्ट डिक्लेरेशन का डे था, यह अनप्रेडिक्टेबल डे था, यानी कि बड़ी असमंजस की स्थिति, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा सकता था कि रिजल्ट कैसा होगा, जो कि हमारे आपके लाइफ में भी हुआ है, हमारे में भी हुआ है, आपने भी झेला और झेलोगे आगे, कि पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, कैसा होगा जब बोर्ड एग्जाम का आप लोग अपियर कर जाओ और दे दो तो। सो इट इज वॉज अनप्रेडिक्टेबल एंड विल बी डिसाइडेड बाई अ मीटिंग ऑफ टीचर्स इन विच दे विल सेलेक्ट स्टूडेंट्स टू बी मूव टू द नेक्स्ट क्लास। एनी कहती है कि ये दिन वो दिन था जब अनप्रेडिक्टेबल डे था उसके जीवन का। क्यों? क्योंकि ये वो दिन था जो डिसाइड करते, टीचर्स की मीटिंग हो रही है, वहां डिसाइड होता कि कितने बच्चों को अगले क्लास में प्रमोट किया जाएगा और कितने फेल हो जाएंगे। एनी अपनी इस बात को भी शेयर करती है। मेनी स्टूडेंट्स वेयर मेकिंग बेट्स, ऐसी माहौल हो गई थी कि कई फ्रेंड, दोस्त मतलब क्लासमेट्स, एक दूसरे से स्टूडेंट शर्त लगा रहे थे। Some had put in their entire summer savings at stake. कई बच्चे तो ऐसे थे स्टूडेंट्स जो पूरा का पूरा गर्मी के अंतराल में जो पैसे बचाए थे ना, वो भी शर्त में लगा दिया सबने, आपस में शर्त रखे। उसकी एक फ्रेंड थी, एनी की एक फ्रेंड थी, शी हैड अ फ्रेंड जिसका नाम जी, कैपिटल जी से दिया हुआ इन योर बुक, ऑल्सो मेड फन ऑफ द नर्वस बॉयज। एनी की जो एक फ्रेंड थी जिसका नाम जी से, उसने पूरा इंडिकेट नहीं किया, खाली कैपिटल जी से बोला है, वो उन लड़कों का मजाक उड़ा रही थी जो इस तरह से घबराहट में शर्त और बेटिंग कर रहे थे। ठीक है, दे केप्ट ऑन सेइंग टू ईच अदर, आई एम नॉट गोइंग टू पास, व्हाइल अदर वेयर कंसोल देम एंड से यस यू वुड। उसमें से कोई कहता है यार इस बार मैं पास नहीं होगा, तो दूसरा कहता हाँ यार मुझे लगता है तू ही नहीं होगा। मतलब इस तरह का एक माहौल बन गया था बच्चों का, एक डिस्कशन का, जो एनी शेयर करती है अपनी इस डायरी में। ओके, जी वॉज पोलाइट as she tried to stop them from making noises while Annie scolded them, but none of it worked.
एनए और उसकी फ्रेंड जो जी नाम उसने कहा है, जी थोड़ी सी पोलाइट बिहेवियर की लड़की थी, वो सभी को शांत रखती थी, क्योंकि इस तरह का क्योस वाला माहौल हो गया था लड़कों का, तो ये सबको पोलाइटली कहते हैं शांत रहो भाई, रिजल्ट आ रहा है, सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन एने गुस्से में डांट देती थी, एने थोड़ा सा रूड हो जाती थी उनके साथ, ओके, क्योंकि वो शोर मचा रहे थे और एने उनको डांट देती थी। अकॉर्डिंग टू एने अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड नॉट बी अलाउड टू पास बिकॉज दे हार्डली रिस्पॉन्ड टू टेक पार्ट इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज। एने का ऐसा मत था कि उसके पूरे क्लास में लगभग क्वार्टर मीन्स 1/4 ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, अगर क्लास में मान लेते हैं 40 बच्चे हैं तो 10, 1/4 मीन्स 10, तो 10 ऑफ द स्टूडेंट्स पास नहीं होने वाले थे, ऐसा एने का मानना था। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने स्कूल की किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया। यह एडवाइस मैं भी सभी स्टूडेंट्स को देता रहता हूं कि स्कूल की हर एक्टिविटी में हिस्सा लीजिए, हर टेस्ट में अपीयर कीजिए, जो भी एक्टिविटी वर्क होता है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि सब काउंट होते हैं। तो एने ने भी ये काउंट किया था और उसको ऐसा जज कर रही थी कि मतलब अबाउट 1/4 ऑफ द स्टूडेंट नहीं पास करेंगे। शी रेफर्स टू देम एज डमीज, ये ऐसा मानती थी कि वो सभी के सभी 10% स्टूडेंट डमीज है, यानी कि फालतू नकारा बेतुका स्टूडेंट, ठीक है। बट दिस मे नॉट बी द केस बिकॉज द टीचर डिसीजन कुड नॉट बी प्रिडिक्टेड, लेकिन ये भी एक डाउटफुल सिचुएशन था। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज का प्रेडिक्शन करना मुश्किल है रिजल्ट के दौरान, क्योंकि टीचर किसी को भी पास और किसी को भी फेल कर सकते हैं कांट से, तो टीचर्स का डिसीजन कैसा होगा यह प्रेडिक्ट करना सभी के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क था। द ऑथर सेज दैट, ऑथर कौन? एनी फ्रैंक। द ऑथर सेज दैट शी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट हर फ्रेंड बिकॉज शी श्योर दैट दे विल पास। एनी फ्रैंक कहती है कि उसको तो यह बात कंफर्म था कि वो फ्रेंड को लेकर चिंतित नहीं थी, क्योंकि उसके फ्रेंड भी पास हो जाएंगे। द ओनली थिंग सब्जेक्ट दैट शी इज अनश्योर अबाउट इज मैथमेटिक्स। बस अब परेशानी कहानी की आ रही है, वो क्या कि एनी कहती है कि बस एक ही चीज में उसको समस्या थी, अब वो क्या था उसका? मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट। शी सीम्स टू बी हैविंग अ टफ टाइम विद द सब्जेक्ट बट ऑल दे कुड डू वाज टू वेट फॉर द रिजल्ट एंड नॉट लूज देयर होप। एनी कहती थी कि उसका सबसे कठिन सब्जेक्ट था वो था मैथ्स, लेकिन अब करें तो क्या करें, रिजल्ट का वेट करना है, टीचर डिस्क्लोज करने वाले हैं, और उम्मीद का दामन हमेशा थामे रखें, उम्मीद ना खोएं, ऐसा खुद को वो ढांढस बनाती है। शी टेल्स हाउ शी वॉज अ ग्रेट रिलेशनशिप, शी हैज अ ग्रेट रिलेशनशिप विद ऑल द टीचर्स एक्सपेक्ट द मैथ प्रोफेसर। तब एनी फ्रैंक आगे कहानी को बढ़ाते हुए कहती है कि वो अपने स्कूल जीवन के बारे में बताती है कि किस तरह से उसका बाकी टीचर्स के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन था एनी का, मात्र एकमात्र एक ही टीचर से उसका ठीक नहीं था रिलेशन। वो कौन थे? मैथ्स के जो प्रोफेसर, जो टीचर थे। He was constantly irritated by the author's talkativeness. Means, एने कहती है कि एकमात्र मैथ्स के सब्जेक्ट के टीचर से उसका बॉन्डिंग अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा इरिटेटेड हो जाते थे, चिढ़ जाते थे एने की बातूनी क्वालिटी से, यानी हमेशा ये क्लास में बात करना, टॉकेटिवनेस, टॉकिंग 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 मैथ्स पीरियड में स्पेशली, इसीलिए मैथ्स के टीचर्स इसका अच्छा बॉन्डिंग नहीं था और वो हमेशा इसे इरिटेट होते थे, क्योंकि एनी का कैरेक्टर ऑफ टॉकेटिवनेस था। डिस्पाइट सेवरल वार्निंग्स एनी डिड नॉट स्टॉप टॉकिंग इन दिस क्लासेस एंड प्रॉम्प्टेड हिम टू गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क फॉर पनिशमेंट। एनी फिर आगे शेयर करती है कि किस तरह से उसका और उसके मैथ्स के टीचर के साथ एक परेशानी वाला वाकया भी हुआ कि एने भी काबू नहीं आती थी, इसको अक्सर मना करा जाता लेकिन ये भूल जाती थी, हमेशा टॉक करती थी। नतीजा ये हो गया कि मैथ्स के टीचर ने इसको पनिशमेंट दिया, और क्या पनिशमेंट दिया था होमवर्क? वो था कि एक ऐसे लिखना, और ऐसे किस चीज पे लिखना था? टाइटल था चैटर बॉक्स। तो स्टूडेंट्स ये नोट करने की बात है कि एने को मैथ्स के टीचर से पहला पनिशमेंट क्या मिला, तो टाइटल पे ऐसे लिखना था, वो टाइटल क्या था? चैटर बॉक्स, बातों की डिब्बा, बटर बटर करने वाला, विच शी थॉट वॉज अ वायर्ड टॉपिक ऑफ टू राइट ऑन बिकॉज वट कुड वन राइट अबाउट इट फॉर द मोमेंट शी रोट द टॉपिक इन द नोटबुक केप्ट इट इन हर बैग एंड फोकस्ड इन स्टेइंग क्वाइट। जब ये पनिशमेंट मिली तो उसे लगा कि क्या ये बेतुका सा टॉपिक हमको मिल गया लिखने के लिए, वो फिर भी टीचर का चूंकि पनिशमेंट है उसको नोट डाउन करते अपने डायरी में और कोशिश करते कि कम से कम कुछ देर और क्लास में जब तक वो है मैथ्स टीचर तब तक वो शांत रहे। सो स्टूडेंट्स ये एनी फ्रैंक की अपनी स्कूल की जीवनी कि कैसा उसका स्कूल का लाइफ भी था, कैसे सबसे एक अच्छा बॉन्डिंग था बट मैथ्स के टीचर से उसकी बॉन्डिंग नहीं थी क्योंकि बहुत ज्यादा टॉक करती थी उनके सब्जेक्ट्स में उनके क्लास में।
द ऑथर केम अक्रॉस द नोट शी मेड एज रिमाइंडर फॉर द एसे आफ्टर शी हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ द वर्क शी बिगैन टू थिंकिंग अबाउट द टॉपिक एनी क्या करती है डायरी में तो लिख लेती है सारे टास्क को कंप्लीट कर लेती है ताकि उसको याद रहे और तब वो फाउंटेन पेन लेकर मुंह में डालकर और सोच रही होती है कि दैट सिग्निफाइज अ पर्सन डीप थिंकिंग जिसमें वो पूरे एकदम मुंह में पेन दबाए और डीपली थिंक कर रही है उस टॉपिक पे जिसको पनिशमेंट के तौर पे होमवर्क लिखने को मिला था वो क्या था चैटर बॉक्स टाइटल पे व्हाइल एनीबडी एनीवन कुड मेंशन रैंडम स्टफ राइटिंग फॉर द सेक ऑफ फिलिंग पेजेस शी वॉन्टेड टू प्रेजेंट कंक्रीट आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ टॉकिंग अब जरा सोचने की बात है देखिए एनी फ्रैंक एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट थी उसके बावजूद कितनी मैच्योर थी समझदार थी अगर किसी को लगे हम आपको किसी को भी लगे कि एक पनिशमेंट मिल गया और किसी टॉपिक में लिखने का हम जैसे तैसे दो चार पांच पेज भर देते हैं राइट दो चार पांच पेज भर देंगे जिसमें कुछ भी लिख दें जाओ टीचर के हवाले कर देंगे चेक करेंगे लेकिन नहीं एनी फ्रैंक सोचती थी कि मुझे टॉकिंग के लिए पनिशमेंट मिला है तो वो कुछ एक कॉन्क्रीट आइडियाज यानी कि बड़ा ठोस कुछ कारण वो खोज रही थी ताकि वो अपने उसमें लिखे पनिशमेंट में यानी ऐसे में कि क्यों टॉकिंग जरूरी है ये बात वो बताने के लिए ठीक है एंड शी मेंशंस दैट शी विल ट्राई टू बी बेटर हरसेल्फ एज अ स्टूडेंट बट टॉकिंग समथिंग दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड और वो ये सोचती थी कि ठीक है एज अ स्टूडेंट वो अपने आप को सुधारेगी लेकिन वो इस बात का समर्थक थी कि किसी भी स्टूडेंट को बात करने से पूरी तरह से तो मना नहीं कर सकते भाई और सही बात भी है भाई स्टूडेंट्स है बात करेंगे ही लेकिन पूरी तरह से तो आप मुंह पे टेप लगा नहीं सकते पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं करा सकते समटाइम्स और द अदर दे विल टॉक मैन ह्यूमन बीइंग टॉक करते ही हैं एनी फ्रैंक इस बात के समर्थक थी दिस इज बिकॉज शी गॉट इन एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम द मदर एंड दिस इज हाउ शी एंडेड अप राइटिंग 3 पेज ऑफ द टॉपिक और वो ये सब बातों को पेपर में लिखती है निबंध के तौर पे और फिनिशिंग पता है कैसे करती है वो ये लास्ट में फिनिशिंग करती है कहते हुए कि भाई वो अपनी बात करने की आदत को छोड़ नहीं सकती क्योंकि उसको खानदानी मिला है उसकी माता से मिला है क्योंकि उसकी माता भी काफी टॉक करती थी इसलिए एनी फ्रैंक इस तरह से कंक्लूड करती है अपने पनिशमेंट के टॉपिक को जो था राइट एसे ऑन चैटर बॉक्स अब आगे क्या The professor found Annie's argument to be amusing, but when she did not stop talking in the next class also, उनको फिर गुस्सा आया उन्होंने एक और पनिशमेंट दे दिया Annie की इस आर्टिकल को ऐसे को चैटर बॉक्स पे जब वो टीचर मैथ्स टीचर पढ़े तो उनको बड़ा मजाकिया लगा कि वाह इस बच्ची ने क्या क्या बातें लिख दिया जो अभी मैंने शेयर किया लेकिन फिर भी बावजूद उसके Annie क्लास में कोई सुधार नहीं लाई उसने फिर क्लास में वही हरकत पैदा कर दी कि क्या मैथ्स टीचर के पीरियड में फिर टॉकिंग अगेन इस बार फिर मैथ टीचर इरिटेट हुए और इस बार उसको फिर एक टॉपिक दिया लिखने को और वो टॉपिक क्या था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स ओके स्टूडेंट्स अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉरिजिबल इनकॉरिजिबल का मतलब होता है कि कुछ ऐसी बुरी लत एक ऐसी बैड हैबिट जिसका करेक्ट नहीं किया जा सकता जिसको चेंज नहीं किया जा सकता तो पहले था चैटर बॉक्स अब आ गया है एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स ये टाइटल उसको दिया गया लिखने के लिए He gave her this topic because she has annoyed. क्योंकि क्यों टॉपिक दिया एनी को क्योंकि एनी ने बहुत नाराज कर दिया था अपने मैथ्स के टीचर को अनस्टॉपेबल चैटरिंग इन द क्लास ठीक है ऑन रिसीविंग दिस असाइनमेंट द प्रोफेसर डिड नॉट से एनीथिंग टू हर फॉर अ वाइल बट वेन ही लॉस्ट हिज पेशेंस ही हैंडेड हर येट अनदर असाइनमेंट एज पनिशिंग ऑन द टॉपिक क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स